नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस का आज का एडिशन ई कॉमर्स पर केंद्रित रहने वाला है और इसमें हम खासकर एक्सपोर्ट स्पेस पर फोकस करेंगे। हाल ही में इसको लेकर एक इंटरेस्टिंग स्टडी कंडक्ट की गई है। हम इसके तमाम पहलुओं पर मंथन कर बदलते दौर की नई संभावनाओं का जायजा लेंगे। एसएमई एक्सप्रेस में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर वीना झा, सीईओ एक ध्वज एडवाइजर्स, डॉक्टर जैन दास गुप्ता, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू डब्ल्यूटीओ एंड फॉर्मर सेक्रेटरी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम। साथ ही मौजूद हैं अनिल भारद्वाज जी, सेक्रेटरी जनरल फिस में। आप सभी का शुक्रिया एसएमई एक्सप्रेस में हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। आइए बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। डॉक्टर वीना, पहले हम आपका रुख करेंगे। जैसे हम देखते हैं इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और थर्ड लार्जेस्ट की तरफ बढ़ रही है। FY23 में इंडियन एक्सपोर्ट्स ने $770 बिलियन का आंकड़ा टच कर लिया है। वहीं अगर हम लार्जर पिक्चर की बात करें तो ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार इंडिया एज एन एक्सपोर्टर इज एट 18th पोजिशन, जहां तक मर्केंडाइज या गुड्स एक्सपोर्ट्स की बात है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? स्टडी में क्या कुछ खास इस पर रहा है? हमारी एक्सपोर्ट्स कम ज़रूर हैं और दूसरे इकोनॉमीज़ के कंपैरिजन में, खास के हमारी साइज इकोनॉमीज़ के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इसीलिए एक्सपोर्ट की एक स्ट्रैटेजी बनी है जो FTP से शुरू हुई और इसको गवर्नमेंट चाहती है कि 1 ट्रिलियन तक बहुत जल्दी ले जाए। तो इसको 1 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए एक एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और जो बनाई है और उसमें ई कॉमर्स का बहुत रोल रहेगा, इसलिए क्योंकि ई कॉमर्स में बहुत पोटेंशियल है। नॉर्मल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा ई कॉमर्स का पोटेंशियल है, क्योंकि हमारी रैंक जो नॉर्मल एक्सपोर्ट्स में है उससे काफ़ी कम ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में है। इस वक्त हमारी ई कॉमर्स सिर्फ $2 बिलियन की है, लेकिन कहा जाता है कि अगर ठीक एनवायरनमेंट मिले और सारी सपोर्टिव पॉलिसीज मिले तो $140 बिलियन 4-5 साल में बढ़ के बन सकता है। इसलिए एक्सपोर्ट की स्ट्रेटजी में हमें ई कॉमर्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, खासकर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड MSMEs के लिए, जो ई कॉमर्स के तहत, जो ई कॉमर्स में 90% से ऊपर MSMEs हैं। तो इसीलिए MSMEs के लिए इनका बहुत अहम रोल रहेगा। डॉक्टर दास गुप्ता, एक स्टडी के अनुसार जिसका जिक्र आपके रिपोर्ट में भी किया गया है, जहां तक ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की बात है, हम मौजूदा 13th रैंक से बढ़कर 2035 तक दुनिया के 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन जाएंगे, यानी स्पेस में आने वाले दिनों में काफी एक्शन होगा। ऐसे में इन नए मौकों पर आप SMEs को क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो देश के एक्सपोर्ट्स में जो हम सामग्री के जो का जो निर्यात होता है उसमें लगभग 45-50% हमारे स्मॉल मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस के बदौलत होता है। तो वैसे ही उनका अंशदान काफ़ी महत्वपूर्ण है पूरे अगर एक्सपोर्ट्स को देखें। दूसरी बात यह है कि जहां तक बिजनेस टू कंज्यूमर जो ई कॉमर्स के माध्यम से हम प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं, डॉक्टर वीना झा ने उसका जिक्र किया, उसमें जो स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस खासकर और कुछ हद तक मीडियम एंटरप्राइजेस, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो और जो हमारे यहाँ से अभी $2 बिलियन का एक नाम मात्र का ही कहेंगे $447 बिलियन निर्यात हुआ है पिछले वर्ष में, उसमें से $2 बिलियन नाम मात्र का ही रहा है, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत है। $140 बिलियन तक लगभग 5-6 साल में ये पहुंच सकता है और इसमें लगभग 90% से अधिक हमारे MSME प्रक्षेत्र के ही की इकाइयां ही रहेंगी। तो इसमें एक तो देश का निर्यात बढ़ेगा, दूसरा कि इन उद्योगों को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, अपनी आय बढ़ाने का मौका मिलेगा और अपनी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको भी विश्व स्तर पर लाने का एक मौका मिलेगा। और इसके लिए हमें एक इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ त्रुटियाँ खामियाँ हैं, जहाँ अड़चने हैं, उन्हें हटाना पड़ेगा और इनके लिए एक स्मूथ सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिससे कि छोटे से छोटे
व्यवसायी या इकाई वाले जो कुछ भी उत्पादन करते हैं, चाहे वो कपड़ा हो या हैंडीक्राफ्ट्स हो या और किसी प्रकार के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो या लेदर के प्रोडक्ट्स हो, जो ये चार जो श्रेणी के की सामग्रियां हैं, इनका सबसे ज़्यादा अगर विश्व स्तर पर आप देखें ई कॉमर्स में, इन्हीं का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है और इसमें भारत फॉर्चुनेटली काफ़ी आगे है। तो बात है हमारी जो इकाइयां ये उत्पादन करती हैं उनको विश्व के बाजार से जोड़ने का। अनिल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में काफी संभावनाएं रहने वाली हैं। वहीं एफटीपी 2023 में इसको लेकर एक डिस्टिंक्ट सेक्शन भी डिवोट किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? ई कॉमर्स एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आई है, खासकर जो लोग एक्सपोर्ट्स में हैं। अभी तक जो छोटा एमएसएमई है वो एक्सपोर्ट में डायरेक्टली शामिल होने में उसको बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं और ई कॉमर्स इस पूरी चेन को बाईपास करके, जो कि पहले आप किसी बड़े इम्पोर्टर को सप्लाई करेंगे, वो बड़ा इम्पोर्टर कोई डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से एक रिटेलर तक जाएगा, ये जो चेन है लंबी इसमें और इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाता। लेकिन ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके वो डायरेक्टली B2C यानी कि डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँच सकता है। तो जैसा जयंत दास गुप्ता जी ने भी कहा कि MSME के एक बहुत बड़े सेगमेंट्स के लिए जो अभी एक्सपोर्ट रेडी भी है लेकिन अभी तक नहीं कर पा रहा था, ई कॉमर्स की ये नई व्यवस्था उसको एक प्लेटफॉर्म देती है। अब इसमें अभी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ पॉलिसी रिलेटेड बॉटलनेक्स हैं। तो नई व्यवस्था को बनाने के लिए जो एक प्रोविजन है वो ई कॉमर्स पॉलिसी में क्रिएट कर दिया गया है। तो अभी जितनी भी पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज हैं वो उसके माध्यम से अब धीरे एक एक करके एड्रेस होंगी। हमें इसको ऐसे भी देखना चाहिए, यदि आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर ने एक योजना शुरू की है जिसको ODOP बोलते हैं, कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और वैसे तो वैसे ही हिंदुस्तान में लगभग 450 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं और लगभग 30-35,000 आर्टिजन क्लस्टर्स हैं। ये सारे क्लस्टर्स और इनमें रहने वाले आर्टिजन्स हमारे इस नई ई कॉमर्स पॉलिसी के माध्यम से प्लेटफॉर्म को यूज़ करके डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। तो ये संभावना 100 से 200 बिलियन डॉलर या शायद उससे भी बहुत बड़ी आने वाले बहुत ही कम समय में हमारे सामने उपस्थित होगी। मुझे लगता है कि ई कॉमर्स पॉलिसी का ये जो इस बार का इंक्लूजन है, इस चैप्टर ई कॉमर्स पॉलिसी का चैप्टर जो FTP में जो डाला है, उसके लिए वो स्टेपिंग स्टोन होगा। डॉक्टर वीना, टॉप 10 ई कॉमर्स एक्सपोर्टिंग नेशंस में 8 देशों की गिनती टॉप 10 इकोनॉमीज में भी होती है, यानी हमें इस तरफ तेजी से आगे बढ़ना होगा। इनफैक्ट हमारी एक्सपोर्ट ई कॉमर्स के तहत और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी हमारी टॉप इकोनॉमी के स्टेटस से बहुत कम है। जैसे आपने कहा 18वां पोजीशन है, ई कॉमर्स में तो हमारा बहुत लो पोजीशन है, लेकिन बिल्कुल UK एंड US जो बहुत टॉप पे है और चाइना, इन ये तीन बहुत इन देशों से बहुत ई क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता है। हमारी गिनती इसमें नहीं आती है अभी, इनफैक्ट इनमें ही नहीं, हमारी गिनती काफ़ी लो आती है ई कॉमर्स के तहत। इसीलिए एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है और ई कॉमर्स के कुछ प्रॉब्लम्स जो है, जो इकोसिस्टम की बात की गई, इसके लिए हमें बहुत ज़रूर हमें ज़रूरी चीज़ों पे मनन करना पड़ेगा, जैसे कि रिटर्न्स पॉलिसी एक कुछ बनाना पड़ेगा। ई कॉमर्स के तहत 30% रिटर्न्स होते हैं अमेरिका में। डॉक्टर दास गुप्ता, आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को लेकर क्या शेयर करना चाहेंगे? इसको लेकर काफी चैलेंजेस रहते हैं। बड़े व्यवसायी जो हैं, ये इस समस्या का समाधान दूसरे तरह से ढूंढते हैं, क्योंकि उनका कंसाइनमेंट बड़ा होता है। तो पेमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है छोटे इकाइयों के लिए, लघु उद्योग के लिए, माइक्रो उद्योग के लिए अपना रिकनसाइल करना, और इसमें सुधार की जरूरत है। इसमें कुछ तो बैंकिंग सेक्टर के लिए ज़रूरी है सुधार लाना, और कुछ सरकार की ओर से भी इसमें दिशा निर्देश की ज़रूरत है, जिससे कि इसका सरलीकरण हो सके और व्यवसायियों को अनावश्यक अड़चनों का सामना नहीं करना पड़े।
अनिल जी, देखा जाए तो ई कॉमर्स से ऑर्डर प्लेस करने के बाद कस्टमर्स जल्द डिलीवरी की उम्मीद करते हैं, और जैसे वीना जी मेंशन कर रहे थे, रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट्स की जहां तक बात है, ये काफी अहम पहलू है, और एक्सपोर्ट्स में तो ये महंगा सौदा भी है, प्रोडक्ट्स को वापस लाना। आपका क्या नजरिया है? आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब ई कॉमर्स के थ्रू आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो प्राय आप दो तरीके में से कोई एक तरीका इस्तेमाल कर रहे होंगे, या तो आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स कर रहे होंगे, यानी कि आपने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई होगी जिसमें बायर ने डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस किया होगा और फॉरेन एक्सचेंज में आपको पेमेंट किया होगा क्रेडिट कार्ड से, और आप उसको डायरेक्ट भेजना चाहेंगे, तो उस केस में तो जो पहली तो समस्या ये रहती है कि जो उसकी कॉस्ट है डिलीवरी की, आपको वो देनी पड़ेगी, और दूसरा उसका जाने का समय काफ़ी लगेगा। इंटरनेशनल कोरियर की भी अपनी मतलब वो 7 डेज से एक एक महीना तक लग सकता है, यदि आप डिपेंडिंग कि आप कोरियर से भेज रहे हैं या पोस्ट से भेज रहे हैं, तो एक तो सबसे बड़ी वो समस्या रहती है, और यदि वो रिटर्न हो गया तो फिर उसको इम्पोर्ट की तरह से ट्रीट किया जाता है, और न केवल कस्टम्स उसको इम्पोर्ट की तरह से ट्रीट करता है बल्कि जो उसकी वैल्यू है उसका असेसमेंट भी वो खुद करते हैं, यानी कि जो आपने वैल्यू दी है वो उस पर ही ड्यूटी नहीं इम्पोज करते बल्कि उसकी वैल्यू को असेस कर पर उस पर ड्यूटी लगाते हैं। आमतौर पर लोगों का ये कहना है जो हमारे मेंबर्स हैं कि उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। दूसरा तरीका है कि आप जो एग्जिस्टिंग बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनल, उनके माध्यम से एक्सपोर्ट करें। अधिकतर अब जो एक्सपोर्ट हो रहा है ऑर्गेनाइज तरीके से वो ऐसे ही हो रहा है, उस क्योंकि जो मान लीजिए अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको वो ऐसे नहीं देखता है कि ये इंडिया से आ रहा है माल, वहाँ पर तो प्लेटफॉर्म पर तो उसने प्रोडक्ट देखा, क्लिक किया, वो चाहता है कि वो नेक्स्ट डे या मे बी 2 दिन बाद उसको डिलीवरी मिले, तो ऐसा कर संभव हो इसके लिए बड़ी कंपनीज जो है वहाँ पर बड़े वेयर हाउसेज बनाती हैं बड़े शहरों में सभी, और इंडिया का जो एक्सपोर्टर है वो उसको पहले से एक्सपोर्ट करके रखता है, वो वेयर हाउस में सामान रहता है और ऑर्डर मिलने पर वेयर हाउस सप्लाई करता है। अब इसमें जो रिटर्न की दिक्कत आती है तो वहाँ पर काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है क्योंकि रिटर्न वहीं के वहीं हुआ, लेकिन इसमें जो नई दिक्कत आती है वो ये जो 90 डेज का पीरियड है जिसमें RBI कहता है कि भाई आपको पेमेंट आना चाहिए, तो हमने एक्सपोर्ट किया था मान लीजिए सपोज कीजिए कि XYZ जो ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म फॉर्म है उसको उन्होंने अपने वेयरहाउस में डाल दिया और वो 8 महीने 9 महीने तक वो वाला सामान नहीं बिका, तो अब वो उसका रिकंसिलेशन कैसे होगा, तो उसके लिए फिर आप एक्सटेंशन डालिए और ये सब करना एक बहुत ही डिफिकल्ट कम्बरसम प्रोसेस है। इन जो ई कॉमर्स की इस तरह की दिक्कतें हैं वो सामान्य एक्सपोर्ट से काफ़ी अलग है, तो हमें उसी हिसाब से उसका सोल्यूशन निकालना होगा। डॉक्टर दासगुप्ता, FTA के जरिए जैसे कई नए मौके आ रहे हैं, ऐसे में उन रीजन्स में आप ई कॉमर्स के जरिए कैसी संभावनाएं देखते हैं? देखिए, इसमें कुछ मिसालें हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में $1,000 से कम की कोई सामग्री अगर जाती है तो उस पर वो इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं करते हैं, और ई कॉमर्स में चूंकि कंसाइनमेंट छोटे होते हैं, 1 या 2 मिसाल के तौर पर वस्तुएं होती हैं, तो उसमें अगर हम FTA के मार्फत अगर हम बातचीत कर सकें अपने पार्टनर देश से कि वो एक $150, $200, $300 का की एक सीमा निर्धारित करे कि उसके नीचे उससे कम की अगर कोई वस्तु जाती है तो उस पर कोई आयात शुल्क इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लागू होगा। इससे एक बहुत बड़ी एक सुविधा मिलेगी हमारे देश के निर्यातकों को, और स्वाभाविक है कि हमें भी इस तरह की सुविधा देनी पड़ेगी उस देश के लोगों के लिए और निर्यातकों के लिए, और ये हम कर सकते हैं। अगर ये ऐसा जैसे UAE के साथ में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन UAE के साथ में अभी पिछले साल ही ये लागू हुआ अपना FTA, उसमें ये स्कोप है कि हम उसमें कुछ सुधार ला सकते हैं, नई चीज़ें ला सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो FTA हुआ पिछले वर्ष, उसमें भी हम ये नई बातें ला सकते हैं। $1,000 तो है ही उनके लिए, और अभी हम UK से हम FTA करने वाले हैं, कनाडा से करने वाले हैं, यूरोपियन यूनियन से करने वाले हैं, जिसमें जर्मनी और फ्रांस काफ़ी हद तक ई कॉमर्स के से अपने सामान खरीदता है विदेशों से, तो उसमें अगर इस प्रकार की व्यवस्था मिले तो हमारे निर्यातकों को बड़ी सुविधा होगी। तो FTA एक जरिया हो सकता है जिससे कि
हम एक नई अपॉर्चुनिटीज एक क्रिएट कर सके अपने एमएसएमई सेक्टर के लिए। एसएमई एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आज हम फोकस कर रहे हैं ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर वीरा, आप मानते हैं एसएमईज को सपोर्ट की जरूरत होगी, अलग अलग मार्केट्स के पोटेंशियल से लेकर तमाम तरह के प्रोसीजर्स, कंप्लायंसेस जैसे एस्पेक्ट्स पर। मैं सोचती हूँ सरकार को भी चार चीजें करनी चाहिए। एक तो इंफॉर्मेशन और डिजिटलाइजेशन ज्यादा कर देनी चाहिए, जैसे कि थाईलैंड ने 4 महीने में अपनी डिजिटलाइजेशन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की 5% से लेकर 50% तक पहुंचा दी 4 महीने में सिर्फ। तो इस तरह से सरकार को भी थोड़ा ब्रॉडबैंड, थोड़ा ज़्यादा ये सब देना चाहिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। दूसरी बात है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन में भी सबसे ज़रूरी मतलब कि सबसे ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए पेमेंट मैकेनिज्म्स पे, कि पेमेंट जो आप करते हैं उसका पूरा बेनिफिट आपको मिले। ये नहीं कि टुकड़े टुकड़े में चूंकि आपके पेमेंट्स आते हैं तो फिर आपके कुछ पेमेंट्स आए ही नहीं आपके अकाउंट में। सारी ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रिटर्न्स की जहाँ तक मतलब वापस जो सामान आता है, जेम्स एंड ज्वेलरी में बड़ी अच्छी सुविधाएं अब उपलब्ध हुई हैं रिसेंटली, कि जेम्स एंड ज्वेलरी में मतलब खासकर गोल्ड में जितना आता है उस पर आयात शुल्क नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमें और प्रोडक्ट और भी वस्तुओं के लिए ये हमें सोचना होगा कि हम ये कैसे कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स में इंडिया पोस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, और सरकार हमारी 60 देशों के साथ रूपी ट्रेड की बात कर रही है, तो एक क्लोज्ड लूप सिस्टम होता है ई कॉमर्स में। हमारी मेजर पेमेंट की प्रॉब्लम्स इसलिए आती है कि प्लेटफॉर्म ओनर्स को डॉलर में पैसा मिलता है, वो रुपी में इनको ट्रांसफर करते हैं, और ये चीज़ जो होता है ये थोड़े दिन पे आता है। जैसे कि एक शिपमेंट गया 10 चीज़ों का, लेकिन वो बिकता है करीब 15 महीनों में या बिकता है 12 महीनों में, तो थोड़े टुकड़े टुकड़े में पेमेंट्स आती हैं। तो इस चीज को अगर हम क्लोज लूप सिस्टम में ले लें तो हमारी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह नई चीजें हमें सोचनी पड़ेगी और नई तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा। डॉक्टर दास गुप्ता, आप क्या बताएंगे इस कॉम्पिटेटिव दौर में एसएमईज को कैसे इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के साथ ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस करना होगा, आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, अगर जो उत्पादन करता है वो अभी निर्यात में अपना पहला कदम ही ले रहे हैं तो ब्रांड बिल्डिंग की बात नहीं सोचनी चाहिए, उन्हें इस मसले पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए कि वो क्या उत्पादन कर रहे हैं उसको इंटरनेट के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, और उसकी सारी गुणवत्ताओं के बारे में बिल्कुल ऑनेस्टली उन्हें बताना चाहिए अपने भावी क्रेताओं के लिए। दूसरी चीज़ है कि गुणवत्ता पर, क्वालिटी पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि विदेश का कस्टमर एक बार खरीदता है और अगर वो संतुष्ट होता है तो वो वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी होती है कि फलाने वेबसाइट में ये प्रोड्यूसर है, ये सामान हमने खरीदा और इसमें हमें संतुष्टि मिली है, और उसी वही सबसे बड़ी एक बहुमूल्य चीज़ होती है किसी निर्यातक के लिए। तो गुणवत्ता पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कि एक जो भय है, और वो भय लाजमी भी है, कुछ हद तक पेमेंट में समस्याएं होती हैं, सर्टिफिकेट्स लेने में समस्याएं होती हैं, और छोटे जो निर्यातक हैं वो अपना काफ़ी समय शुरुआत के समय दिनों में इसी में जाया करते हैं कि वो सर्टिफिकेट्स मिले और रेगुलेटरी क्लियरेंसेस सही सलामत हो, तो ये भय दूर करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को एक प्रोएक्टिव भूमिका निभानी पड़ेगी, और क्लस्टर बाय क्लस्टर, जैसे 3,500 क्लस्टर लगभग हैं हमारे औद्योगिक, 400 औद्योगिक क्लस्टर और आर्टिजनल क्लस्टर्स हैं 3,500 करीब,
उसमें से कुछ को चुन करके जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, सरकार को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा जिससे कि वहां के लोगों को प्रोत्साहन मिले और उसको उसका एक स्प्रेड इफेक्ट हो। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा, इस बार की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक एक्सपोर्ट ग्रीन चैनल की का संकेत किया गया है, लेकिन उसमें स्पष्ट कहा नहीं गया है, लेकिन जो हमारी रिपोर्ट है जो फिस्मे के साथ हमने प्रकाशित की है उसमें ग्रीन चैनल फॉर एक्सपोर्ट्स की बात की गई, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स, जो चीन ने बहुत ही सफल रूप से उसको अपनाया है और उसके बहुत बढ़िया फल मिले हैं चीन को। तो ग्रीन चैनल फॉर एक्सपोर्ट जिसमें हर तरह की सुविधा मिलेगी और हर पूरा प्रोसेस कंप्रेस्ड हो जाएगा, वो बहुत जरूरी है। लेकिन यदि आप एक्सपोर्ट में जा रहे हैं और तो वो कम से कम साइज तो आपका होना चाहिए कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि वो इसलिए भी जरूरी है कि जब आप एक्सपोर्ट्स करते हैं तो जो रॉ मटेरियल पर आपका आपने टैक्स दिया है वो आपको तभी वापस मिल सकता है यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। तो कम से कम एक्सपोर्ट्स के सेगमेंट के लिए तो मैं ये कहूंगा कि उनको तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही चाहिए। एसएमई एक्सप्रेस में इतना ही। हमें ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर वीना झा, डॉक्टर जैन दास गुप्ता, अनिल भारद्वाज जी, आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। अगले एडिशन में मुलाकात होगी एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।